हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस क्लास 12 के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स देखा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से देखा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से देखा। तो दैट इज वन पार्ट, एक पार्ट खत्म हो गया हमारा इनवर्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब इनवर्स निकालने का सेकेंड मेथड, जो कि मैंने आपसे कहा था एडजॉइंट मेथड। लेकिन एडजॉइंट मेथड सीखने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट हम पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए उसे मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। पहला हम सीखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट। तो माइनर ऑफ एलिमेंट में हमें डिटरमिनेंट यूज करना है बच्चों, तो डिटरमिनेंट आपको आना भी चाहिए। तो माइनर ऑफ एलिमेंट का मतलब, सबसे पहले समझो कि माइनर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे देखो जो भी इसमें टर्म्स होते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये 2x2 का है, ये 3x3 का है, तो 2x2 का माइनर निकालना बड़ा आसान है। इसमें हमें डिटरमिनेंट यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बताता हूं मैं। सबसे पहला, दिस इज 2x2 मैट्रिसेस, इसमें जो हर एक टर्म होता है उसको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? तो ये जैसे 3 है, तो 3 इसका एलिमेंट हुआ, -2, 6, 8, ये सारे क्या हुए इसके एलिमेंट। इतना समझ में आया। अब ये एलिमेंट्स को हमें उनका माइनर निकालना है। तो इन एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था मैट्रिक्स का, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैट्रिक्स को, इस तरीके से रो क्रॉस कॉलम में, तो A11, A12, A21, A22 ऐसे बताया था मैंने आप लोगों को। फर्स्ट रो, सेकेंड रो क्रॉस कॉलम में चलता है, बताया था ना। तो वैसे ही ये सारे एलिमेंट, मतलब ये हुआ A11, ये हुआ A12, ये हुआ A21, ये हुआ A22, होगा कि नहीं होगा। हर एक टर्म का हमें माइनर निकालना होता है, हर एक टर्म का माइनर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ M, माइनर को मैं M से रिप्रेजेंट करता हूँ, M11। अब माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग? माइनर में क्या होता है कि जो टर्म का हमें माइनर निकालना है, उस टर्म की रो और उस टर्म की कॉलम को कैंसिल कर देना। जैसे 3 है तो फर्स्ट रो को कैंसिल और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दिया, बच गया क्या यहाँ पर? 8। तो इसका M11 का माइनर होगा 8। समझ में आ रहा है? M11 क्या हुआ फिर हमारा? 8। बात समझ में आई? वैसे ही अगर मैं M12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कट कर देंगे तो बचेगा क्या हमारा? क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? 6। फिर वैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ M21, M22, तो M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दिया, बचेगा क्या? -2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर दिया, बचेगा 3। तो दिस इज माइनर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हुआ हमारा माइनर, ये फर्स्ट स्टेप है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक के? तो ये तो 2x2 था, इसलिए इसका माइनर ऐसे निकलेगा। बट अगर 3x3 का होता तो फिर माइनर कैसे निकलते हैं? 3x3 में तो क्या आएगा? देखो, चलो इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस लगेगी। अब इसमें देखो, अगर मैं 3x3 को लिखता हूँ तो कैसे आएगा? इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, इस तरीके से चलेगा ना हमारा। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन हमारा मैट्रिक्स का। तो वैसे ही इसके माइनस भी वैसे चलेंगे, M11, 12, 13, 14, समझ में आ रहा। लेकिन उसे हम निकालेंगे कैसे? देखो, अगर मैं M11 लिखता हूँ यहाँ पर, M11 लिखने के बाद फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड रो कैंसिल, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है 4, 5, -2, 1, तो इसका हम माइनर कैसे निकलेगा? तो यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट। क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट। नहीं समझ में आया? अगर मैं लेता हूँ M12, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो कैंसिल करो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा? देखो 3, 5, 6, 1। बात समझ में आ रही है? M12 समझ में आया। M13 लिखना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब कर दो, क्या बचा? 3, 4, 6 -2, 3, 4, 6 -2, क्या बात समझ में आ रही है? एंड डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया। वैसे ही मैं चलो पहले सारे टर्म लिख देता हूँ, M21, M22, M23, फिर क्या आएगा लास्ट रो? M31, M32, M33। M मतलब बच्चों क्या है? M मतलब किसके लिए मैं M बोल रहा हूँ बार बार? माइनर के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं टर्म। 2x2 था तो डायरेक्ट कैंसिल करके हमें मिल रहा था, बड़ा आसान था। यहाँ पर हमें कैंसिल तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें यहाँ पर चार टर्म मिल रहे हैं, चार एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए उसका हमें डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। अब देखो,
टू वन है, तो सेकेंड रो को कट कर दो, फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, माइनस वन जीरो माइनस टू वन। बात समझ में आ रही है? क्या आएगा देखो यहाँ पर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू वन, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू जीरो सिक्स वन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम टू माइनस वन सिक्स माइनस टू, सेकेंड रो थर्ड कॉलम टू माइनस वन सिक्स माइनस टू, ठीक है। अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, एम थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन जीरो फोर फाइव, थर्ड रो सेकेंड कॉलम टू जीरो टू जीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम टू जीरो थ्री फाइव, ठीक है, समझा। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम टू माइनस वन थ्री फोर, ये कैंसिल हो गया ना, तो टू माइनस वन थ्री फोर, ठीक है, इट्स ओके यहाँ तक के। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपको आता है, मतलब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फोर वन जा फोर माइनस, चलो पहले यहाँ पर एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है आपके पास में x, a b c d, तो कैसे लिखते हो आप लोग, सॉरी डिटर्मिनेंट लेना है मुझे, कैसे आएगा, a इंटू बी सॉरी a इंटू डी माइनस सी बी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इस सभी को सॉल्व कर सकते हो एक एक करके। पहले का क्या आएगा देखो, फोर वन ज़ा फोर माइनस फोर माइनस टू फाइव ज़ा टेन, तो माइनस टेन आएगा यहाँ पर, फोर माइनस माइनस टेन प्लस हो जाएगा वो फोर प्लस टेन फोर्टीन आएगा इसका आंसर, तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं इसका आंसर यहाँ पर फोर्टीन, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, थ्री थ्री वन ज़ा थ्री माइनस थर्टी, थ्री माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी सेवन, ठीक है, थोड़ा आपको भी आना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि ये एक पार्ट रहने वाला है हमारा इन्वर्स निकालने के लिए, तो ये आपको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करना आना चाहिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको आंसर आते जाएंगे। देन थ्री टू ज़ा माइनस, ये माइनस है, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, सो माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी आएगा इसका आंसर, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस आता है, चलो। फिर यहाँ पर माइनस वन इंटू वन माइनस वन और माइनस जीरो आने वाला, तो इसका आंसर माइनस वन ही आएगा डायरेक्टली। यहाँ पर देखो टू वन ज़ा टू एंड इनका प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो टू बचेगा सिर्फ। यहाँ पर टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर आएगा लेकिन माइनस माइनस सिक्स, तो वो प्लस हो जाएगा, सिक्स माइनस फोर टू आ जाएगा यहाँ पर, सिक्स माइनस फोर, टू टू ज़ा माइनस फोर, माइनस फोर माइनस माइनस सिक्स आने वाला था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिक्स माइनस फोर टू आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आप सॉल्व कर उसको एक एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई कोई रूल नहीं है कि आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी डायरेक्ट करना आ जाएगा धीरे धीरे, बट पहले आप स्टेप में सॉल्व करोगे। हियर माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव, ये तो जीरो ही होने वाला है, तो माइनस फाइव रहेगा यहाँ पर। हियर अगेन टू फाइव ज़ा टेन माइनस जीरो, तो यहाँ पर तो टेन ही आएगा। यहाँ पर टू फोर ज़ा एट, एट माइनस माइनस थ्री, तो एट माइनस माइनस थ्री, तो एट प्लस थ्री हो जाएगा, तो एट प्लस थ्री कितना होगा, एट प्लस थ्री इलेवन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। सो इस तरीके से हम माइनर निकालेंगे, टू क्रॉस टू का माइनर आपको समझ में आया, थ्री क्रॉस थ्री का माइनर समझ में आया, तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट स्टेप इनवर्स निकालने का। बट माइनर पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो माइनर आपको आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम इसके बाद वाला को फैक्टर टर्म पढ़ते हैं कि को फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। बट समझ में आ रहा है वीडियो, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो क्या कर देंगे जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चलो ठीक है। ओके, सो माइनर समझ में आ गया, माइनर का नेक्स्ट स्टेप है कोफैक्टर। तो सबसे पहले आपको तो माइनर निकालना होगा, मतलब माइनर आपको अभी हमें निकालना आ गया कि माइनर हम किस तरीके से निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे फिर से एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, क्योंकि माइनर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सपोज मेरे पास है टू थ्री फोर फाइव, तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका माइनर अगर एम वन वन लिखता हूँ मैं, तो टू है सॉरी एम वन वन है फाइव, एम वन टू है वन टू फोर, एम टू वन है थ्री, एम टू टू है टू, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होता है कोफैक्टर। याद रखो कोफैक्टर इज द सेकेंड स्टेप फॉर द इनवर्स बोलो, या कोफैक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि यही तक आप ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो, टू मार्क क्वेश्चन आएगा तो कोफैक्टर तक क्वेश्चन आता है। तो कोफैक्टर का मतलब एक्चुअली कैसा होता है कि इस यही होते हैं, माइनर्स ही होते हैं, बस उसकी एक पर्टिकुलर साइन लगाना होता है इसके साथ में, प्लस या माइनस, कि जैसे ये फाइव है तो इसके साथ प्लस लगाना या माइनस लगाना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में, मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे,
कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ए मतलब एलिमेंट, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, मैंने बताया था सबका नंबर होता है, जैसे ये 1 1 है तो ये आई रहेगा और ये जे रहेगा, समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर आई प्लस जे, तो ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है इनको प्लस करना, इन टू माइनर ऑफ आई जे। देखो ये टर्म समझ में आया क्या लिखा है मैंने, मतलब उतना फॉर्मूला में नहीं समझेगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ ऑफ ए वन वन, ये ए वन वन का ही एम वन वन आएगा, ए वन टू का एम वन टू आएगा, ए वन थ्री का एम टू वन आएगा, ए टू वन टू टू का ए सॉरी एम टू टू आएगा, इतना तो आपको पता ही है क्योंकि हमने माइनर निकाला है, ठीक है। अब हमें निकालना है कोफैक्टर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए वन वन इज इक्वल्स टू माइनस वन का पावर वन प्लस वन एम वन वन, बात समझ में आई क्या, सी हियर माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, ओके। नाउ ओके सो कोफैक्टर ऑफ ए वन वन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, क्योंकि ये जो नंबर रहेगा वही लेते हैं हम, आई प्लस जे वन प्लस वन एम वन वन, तो देखो माइनस वन का पावर टू आएगा, ये एम वन वन हमें हमारे पास होगा, मतलब आप ये टू क्रॉस टू का हम लिख रहे हैं, थ्री क्रॉस थ्री में भी सेम यही रूल लगेगा, माइनस वन का पावर टू मतलब ये होता है वन, एम वन वन की वैल्यू कितनी है हमारी फाइव, तो ये आएगा कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ ए वन वन इज फाइव, समझ में आया। वैसे अगर मैं लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ ए वन टू, फिर कोफैक्टर ऑफ ए टू वन, फिर कोफैक्टर ऑफ ए टू टू, तो सबसे पहले तो आपको माइनर निकालना आना चाहिए, माइनर निकालने आएगा तो ही आगे का स्टेप होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस वन का पावर यहाँ पर वन और टू है तो वन प्लस टू आएगा, एम जो यहाँ पर है वही वन टू, तो ये देखो ऑड आ रहा है, माइनस का पावर अगर माइनस वन का पावर अगर ऑड है तो माइनस वन बचता है, पता है ना आपको, देखो जैसे माइनस वन का पावर अगर टू है तो वो वन आता है, माइनस वन का पावर अगर थ्री है तो माइनस वन आता है, माइनस वन का पावर अगर फोर है तो फिर वन आता है, माइनस वन का पावर अगर फाइव है तो वो माइनस वन आता है, समझ में आ गया। तो अगर इवन है पावर तो प्लस है, अगर ऑड है पावर तो माइनस है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ओके। तो ये 1 प्लस 2 कितना होगा 3, इसका पावर माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा, m12 तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1 2 कितना है हमारा 4, यहां पर आंसर आएगा माइनस 4, समझा कोफैक्टर। इसके बाद फिर 2 1 है, फिर से माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 एम टू वन, यहाँ पर क्या आएगा माइनर कौन सा आएगा एम टू वन, फिर से पावर माइनस आने वाला है माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस वन का पावर टू प्लस टू एम टू टू, यहाँ पर आएगा माइनस वन का पावर फोर तो वन आएगा, जो है ये वही रहेगा टू, समझे यहाँ तक के कोई डिफिकल्टी इसमें, इवन वाले प्लस रहते हैं, सी हियर इवन पावर प्लस ऑड पावर माइनस, इवन प्लस तो अगर इवन में पावर रहेगा तो प्लस आएगा, अगर ऑड में पावर है तो माइनस आएगा, बात समझ में आई, इतना क्लियर है, जस्ट यही अगर ठीक है, इतना तो इतना नोट करो, फिर हम थ्री क्रॉस थ्री का भी देखते हैं एक बार। ओके सो कोफैक्टर सेपरेटली निकालना आ गया आप लोगों को कि हम किस तरीके से कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ए की कोई भी एलिमेंट से, सपोज ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, है ना, इस तरीके से था, फिर हम इसमें से माइनर निकाल रहे थे, मतलब एम वन वन निकालते थे, एम वन टू निकालते थे, एम टू वन एम टू टू, इसके बाद फिर हमने कोफैक्टर्स निकाला, ठीक है। तो कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल ए के एलिमेंट में, जैसे आपने अगर निकाला हो तो, या सी से रिप्रेजेंट कर देते, सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू, ऐसे आपके पास चार टर्म आए होंगे, चार टर्म आए आपके पास में, या अगर थ्री क्रॉस थ्री होगा तो नाइन टर्म्स आएंगे, इट्स ऑब्वियस, ठीक है। तो आप फाइनल में कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो कोफैक्टर ऑफ ए जब लिखेंगे तो आपको ऐसे इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू, अगर वो थ्री क्रॉस थ्री का होता सेम यही, अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री के लिए लिखूं तो हमारा मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, ए सॉरी मैं इसको बी लिख देता हूँ, चलो बी इज इक्वल्स टू बी वन वन B12, B13, B21, B22, B23,
B31, B32, B33, ऐसे हमारा मैट्रिक्स हो गया 3x3 का। इसके हम माइनर निकालेंगे तो सेम M11, मतलब आप निकालोगे M11, M12, M13, M21, M22, M23, देन M31, M32, M33, ये माइनर निकलेंगे। उसके बाद फिर आप कोफैक्टर कैसे निकालोगे, आप इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि ये 1+1 है तो प्लस आएगा, तो ये प्लस रहता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। कोफैक्टर्स को मैंने क्या बताया, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C33, 32, C33। इसको ही आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यही हमारा कोफैक्टर का आंसर रहेगा। तो कोफैक्टर का जब भी आप आंसर लिखते हो तो उसको आपको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, याद रखना। कैसे लिखेंगे आप, मैट्रिक्स फॉर्म में। सो दैट इज द कोफैक्टर ऑफ द ऑफ मैट्रिक्स बी। इस तरीके से लिखेंगे तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो आपको कोफैक्टर इस तरीके से लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा कोफैक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे एडजॉइंटली। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर है बच्चों? ये हुआ हमारा कोफैक्टर का टॉपिक। कोफैक्टर के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए, आप सॉल्व करेंगे। कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एडजॉइंट। हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट, मतलब अब तक हमने क्या देखा, पहला माइनर देखा, सेकेंड हमने क्या देखा, कोफैक्टर। नाउ विल टॉक अबाउट द एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको अभी कोफैक्टर मिल गया है, तो कोफैक्टर से ही हम एडजॉइंट निकालने वाले। लेकिन कैसे निकालते, देखो स्टेप कैसे हुआ। हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स था, मतलब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ए था, मैट्रिक्स लिखे हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। सो दिस इज मैट्रिक्स। इससे फिर हमने क्या निकाला था, सेकेंड से फर्स्ट स्टेप में हम माइनर निकालते हैं, जो कि हम लिखते हैं यहाँ पर M11, M12, M13, M21, M22, M23, देन M31, M32, M33, ठीक है। ये हुआ हमारा माइनस। माइनस निकालने के बाद हम लोगों ने निकाला कोफैक्टर, दैट इज वी रिप्रेजेंट दिस वन कोफैक्टर। सो कोफैक्टर इज इक्वल्स टू, इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया, आप किसी भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, C11, C12, और अगेन कोफैक्टर इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म, याद रखना। कोफैक्टर का आंसर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, C11, C12, C13। सिर्फ इसमें माइनस साइन, माइनस प्लस साइन लगाएंगे तो कोफैक्टर आता है, बताया था कैसे लगाते हैं। C21, C22, C23, देन C31, C32, C33। तो ये हुआ हमारा कोफैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडजॉइंट निकालना। तो ट्रांसपोज ऑफ, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करना, मतलब एक्चुअली ट्रांसपोज वर्ड यूज किया जाता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि टर्म्स को शिफ्ट करना, मैट्रिक्स को पलटाना। ट्रांसपोज मतलब उल्टा करना। उल्टा कैसे करेंगे, देखो कि यहाँ पर अगर ए आई जे रहता है तो उसको मैं ए जे आई करता हूँ, ए आई जे को जे। अब वर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब कैसे होता है कि देखो ये 1-1 है, C11 है, C11 का उल्टा करेंगे तो C11 ही रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये अगर C11 का C11 ही रहेगा, C11 अपनी जगह पे आएगा। फिर सेकेंड रहता है C12, C12 को उल्टा कर देंगे, C21 यहाँ पे आएगा, C21। तो ये जो C21 वाला टर्म है वो ऊपर चले जाएगा, बात समझ में आ रही क्या। फिर यहाँ पे रहता है अपना C13, तो इसकी जगह पे लिखेंगे C31। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वैसे ही फिर यहाँ पे C21 है तो यहाँ पे क्या आएगा, C12। यहाँ पे C22, C22, C33 सेम ही रहेंगे, बस बाकी के टर्म चेंज होंगे। यहाँ पे आएगा C32, यहाँ पर आएगा C13, यहाँ पर आएगा C23। तो इस तरीके से बस वो मैट्रिक्स उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखाऊँ तो कैसे दिखेगा, देखो। चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज मतलब सिर्फ अल्टीपल्टी, मतलब यहाँ के जो नंबर दर्ज, मतलब रो के नंबर कॉलम में चले जाएंगे। कैसे हो, देखो ये हो जाएगा 1, 5, 9, वैसा का वैसा रहेगा। देखो 1, 5, 9 वैसा का वैसा रहेगा, इसकी जगह पे आएगा 4, 4, 7। ये इस रो को मैंने ऊपर लिख दिया, हाँ 1, 4, 7 ऐसा। अब क्या होगा 2, 5, 8, 2, 5, 8 एंड 3, 6, 9 यहाँ पे,
समझ में आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा, बात समझ में आई। व्हेन वी डू द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना आया था हमको, मैट्रिक्स से हम पहले माइनर निकालते हैं, इसको हम माइनर बोलते हैं, याद है ना, माइनर, माइनर से कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट मिल गया। यहां तक समझ में आया? तो ये हुआ एडजॉइंट, ये एडजॉइंट मिल गया, इसके बाद हमें इनवर्स निकालना होता है। ये एडजॉइंट स्टेप समझ में, तो एडजॉइंट के बाद एक स्टेप है जिसमें हम इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट इज क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है, तो इतना लिखो, उसके बाद फिर हम इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ओके, सो हमने एडजॉइंट भी निकालना देखा, मतलब हमारे सारे स्टेप्स क्लियर है। हाउ टू फाइंड आउट, मतलब फिर से मैं एक बार स्टेप्स लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा अभी टॉपिक चल रहा है इनवर्स निकालने का। तो आप बोलोगे सर बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको पूरा याद हो जाए स्टेप। हमारे पास में सबसे पहले होता है मैट्रिक्स, इसको हम लिखते हैं A11, A12, A13, ठीक है, फिर A21, A22, A23, देन A31, A32, A33, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद हम निकालते हैं माइनर, मतलब यहाँ लिख लेना, मैट्रिक्स से हम निकालते हैं माइनर, माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये हुआ हमारा माइनस। माइनस के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, क्या निकालते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स। तो माइनस से ही हमें कोफैक्टर्स मिलते हैं, याद रखना। एक भी स्टेप आपको हर एक स्टेप में सिस्टमेटिक वे से करना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे। कोई भी स्टेप में गलती मत करना, इनमें से एक में भी गलती हुई तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाता है, इसलिए ये स्टेप में मतलब गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें दिमाग कम लगाना है आपको, क्योंकि स्टेप्स सीक्वेंस है, डिटरमिनेंट निकालना आता है, एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बट उसमें गलती होने के चांसेस कम है। अगर आपने सही दिमाग लगाया तो आंसर सही आएगा। यहाँ पर अगर आपने एक भी गलती कर दी प्लस माइनस की, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, C11, C12, C13, बस यही होता है, बस माइनस प्लस लगाते हैं यहाँ पर हम लोग, C21, C22, C23, C24, सॉरी 31, C32, C33, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज लेके हम एडजॉइंट निकालते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये भी एक मैट्रिक्स ही होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, इसको हम उल्टा लिख देते हैं, मतलब रो को कॉलम बना देते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C11, C21, C31, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12, C13, यहाँ पे C22, C23, यहाँ पे आएगा C32, C33, ठीक है। ये हुआ हमारा एडजॉइंट। अब फाइनली जो जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, दैट इज इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा फॉर्मूला है। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, मतलब आप ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना था, ए का डिटर्मिनेंट निकालो और ए के डिटर्मिनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, समझ में आ गया, 1 बाय मतलब डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स को, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, 1 बाय से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों, शायद आपको समझ में आएगा सारे पॉइंट्स, माइनर, कोफैक्टर एंड इनवर्स निकालने का फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो फिर क्या करेंगे, समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज क्योंकि अभिषेक सर आपके लिए 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे मैथ्स और साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करो, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।